We are in Bangalore. This is our day number one and अभी दोपहर हो चुकी है. सुबह से मैंने vlog नहीं किया. सुबह हम लोग Bangalore पहुंचे. Actually मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा rewind दे देती हूँ सुबह से क्या क्या किया. तो सबसे पहले हम लोग उतरे और हम लोगों ने अपना जो सामान था, suitcases वगैरह थे, वो जहाँ पे Airbnb था वहाँ पे रखे, क्योंकि अभी check-in का time नहीं हुआ था. check-in का time था दोपहर के 1 बजे, लेकिन हम लोग पहुंच गए थे 11 बजे. तो हम लोग गए बाहर और बाहर जाके थोड़ी बहुत हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग सी करी. एक दो चीजें खरीदी, शूज ट्राई किए और थोड़ी एक DIY वाली बड़ी इंटरेस्टिंग शॉप थी, मैं वहां पे गई. और उसके अलावा KFC का बर्गर खाया मैंने अपने लंच में, मतलब ब्रंच टाइप किया हम लोगों ने. वो सब करके अभी हम लोग पहुंचे हैं Airbnb की अकोमोडेशन में. तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये वाला Airbnb हमारा कैसा दिखता है. और बाय द वे, मैं हर बार जब भी Airbnb में जहाँ पे भी रुकती हूँ, मैं अपना एक साइन अप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ. अगर उससे आप साइन अप करोगे उस लिंक पे जाके, तो आप कभी भी अगर Airbnb से अपना कोई भी अकोमोडेशन बुक करते हो तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा. तो नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपना चेक कर लेना. नाउ लेट मी शो यू हाउ दिस Airbnb लुक्स. बड़ा सिंपल सा हम लोगों ने रखा है, ज्यादा पैसे नहीं खर्चे हैं इस पे, बड़ा सिंपल सा रखा है, बट it is better than expectation. अभी जो है मैं करने वाली हूँ अनपैकिंग शुरू, क्योंकि बहुत सारा सामान इसमें फंसाया हुआ है मैंने. तो मैं सोच रही हूँ कि इससे पहले वो ख़राब हो या कि उसका खचाड़ा हो जाए, मैं ना अच्छे से जो है ये यहाँ पे है इसके अंदर कबर्ड के अंदर अपना थोड़ा जो अच्छे वाला सामान है ना, साड़ी वाड़ी ये सब, वो सब जोड़ लेती हूँ, सो दैट ज़्यादा टेंशन ना हो ढूंढने में सामान को. ओके गाइज, ये मैंने लगा लिया सारा सामान जो मुझे लगता है मुझे बैंगलोर में चाहिए. ये शादी में जो कपड़े पहनने हैं या फिर शाम को जब हम बाहर जाएंगे उसके लिए मुझे एक दो PR बॉक्सेस हैं यहाँ पे, और ऊपर भी जो मुझे शूट करना है आज ही, और मेरा मेकअप, मेरे फुटवेयर, ये सब चीज़ें मैंने वो निकाली हैं जो मुझे बैंगलोर में चाहिए. और जो मुझे बैंगलोर में नहीं चाहिए, जो मेरे नेक्स्ट ट्रैवल का सामान है, वो अभी भी इसमें ही पड़ा है, जो ऐसे ही बंद हो जाएगा. सो वी आर ऑल सेट. And that is Kamal's stuff. He doesn't want के वो सारा सामान जोड़े. He said के I'm okay with the suitcase only, but I really like to do this. Like कहीं जाओ तो अच्छे से अपना सामान लगा लो, so that कल जब सुबह बहुत सारे काम होंगे, तैयार होना होगा, सब कुछ करना होगा, तो सुबह सुबह ये नहीं रहेगा अरे ये कहाँ है वो कहाँ है. So if you're going somewhere and if you have a cupboard in that accommodation, try to fix your stuff so that जब जिस दिन आप जिस चीज़ के लिए आए हो, जब आप वो करने वाले हो, तो आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं रहोगे. आपका हर चीज़ आपके सामने होगा और आपको पता होगा आपको क्या चाहिए, कहाँ पड़ा है, सब कुछ. Anyway, so अभी क्या है, आज हम कहीं पे बाहर नहीं निकलेंगे दिन में, हम लोग जाएंगे शाम को. और शाम को हम जाएंगे, कमल के एक और फ्रेंड है कमल का, अभिषेक. आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, पूरा पूरा व्लॉग बनाया मैंने जब अभिषेक आया था और उसकी वाइफ मेघा आई थी. तो अभिषेक बैंगलोर रहता है, तो हम अभी शाम को जाएंगे उससे मिलने. तब तक मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे एक दो चीज़ें करनी थी. मुझे अपने थोड़े से बुढ़ापे को कवर करना है एक, तो ठीक है, कलर करने हैं बाल, और अपने अपर लिप्स करने हैं, बाल शैम्पू वैम्पू करूँगी. सो दिस इज़ द कलर दैट आई डू वेन एवर आई एम इन इमरजेंसी. इसमें ये दो चीज़ें होती हैं जो मैंने यहाँ पे मिक्स की हैं, और इनको मिक्स करके मैं सिंपली अपने रूट्स में लगा लेती हूँ. गई थोड़ी सी भूख और पीने का मन किया चाय, तो हम लोग आ गए हैं बाहर. आसपास ढूंढ रहे हैं कोई ऐसे लोकल सी वेड़ी कुछ हो चाय की, वो मिल जाए.
तो मैं तो नाइट सूट टाइप में ही निकल आई हूँ, मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा कोई टॉप पहन के। कमल बड़ा तैयार होके निकला है, ये देख लो पूरा हीरो बन के निकला है। मैंने कमल को बोला मैं शॉर्ट ले रही हूँ, थोड़ा सा पीछे खड़े हो ताकि कैमरा में आओ। कमल वहां जाके खड़ा हो गया। मैं क्या है, मैं तो यहीं पे आ जाती हूँ बिकॉज़ आई एम शॉर्ट। लोगों मेरे से पेट देखे। अब मैं हंस रहा हूँ, उनको मेरे एक्सप्रेशन से पता लगा। पापड़ी चाट, दही बल्ला चाट, समथिंग ऐसे ऐसे करके चाट वाट खाई हम लोगों ने, चाय पी एंड वी आर बैक होम। नाउ आई हैव टू एडिट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लाइक राइट नाउ एंड आई ऑल्सो हैव टू अपलोड इट एंड आई ऑल्सो हैव टू पब्लिश इट टुडे, एटलीस्ट ट्राई टू पब्लिश इट टुडे। तो अब मैं लगती हूँ काम पे और मैं आप लोगों को मिलती हूँ कुछ देर बाद। हे गाइज व्हाट्स अप, I just got ready. We are going out to meet Abhishek as I told you. And this is what I'm wearing. This is a plain black top. बहुत ही ज़्यादा पुराना टॉप है ये मेरा, बहुत पुराना। In fact ये मेरा टॉप नहीं है, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने बहुत सालों पहले मुझे गिफ्ट किया था ये टॉप। तो ये पूरा नेट का है, अंदर मैंने स्पेगेटी पहनी हुई है। आई रियली रियली लाइक दिस टॉप। मैं इसे पहन पहन के बोर डेफिनेटली हो चुकी हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग विच आई डोंट थिंक आई विल एवर थ्रो टिल द टाइम आई फिट इन दिस। ये आई थिंक 5-6 साल पुराना टॉप है। एनी वे सो इसको ही मैंने आज पहन लिया क्योंकि बहुत टाइम से पहना नहीं था। एंड आई हैव पेड दीज ट्राउजर्स जो आजकल मैं काफ़ी पहन रही हूँ, ये शीन की ट्राउजर्स हैं, सिंपल येट स्टाइलिश एंड ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल। सो कमल हैज़ गॉन आउट, जो हम भास्कर के लिए जिसकी शादी है उसके लिए गिफ्ट लेके आए थे वो पैक कराने के लिए गया है। उसने बोला तब तक तुम रेडी रहो फिर हम बाहर जाएंगे। सो वी गोना लीव इन अबाउट 20 मिनट्स और सो। वी आर जस्ट लीविंग टू मीट अभिषेक एंड मुझे जगह का नाम नहीं पता अभी हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, डू हैव एनी आइडिया? हाँ, यू ओनली डिसाइडेड द प्लेस ना, आई थिंक ब्रूक्स एंड समथिंग ब्रिवरी। ओके, तो कोई तो जगह है जिसका नाम मुझे नहीं पता, प्रोनंसिएशन कमल को नहीं पता है। तो हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए, भास्कर का गिफ्ट आ चुका है पैक होके एंड वी जस्ट लीविंग नाउ। अभिषेक आ गया। We just got back. बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना लेट तक। मेरे दिमाग में ऐसे था कि हम 11 बजे तक आ जाएंगे, बट टाइम क्या हुआ, 12:40 हो चुके हैं, 1 बजने को आया है। एनी वे सो आई एम नाउ गोना सी यू गाइज टुमारो मॉर्निंग एंड या
Good morning, guys. This is day number 2 in Bangalore, and today is the day of the wedding. अभी time 8:30 हो गया है. अभी मैं करने वाली हूँ दिन की शुरुआत. और सबसे पहली चीज जो मैं कर रही हूँ वो है आप लोगों के लिए मैं एक बना रही हूँ वीडियो जो होने वाली है गेट रेडी विद मी फॉर वेडिंग. तो क्योंकि मैं वेडिंग के लिए तैयार हो ही रही थी एंड इट इज ऑफकोर्स गन बी अ डिफरेंट लुक देन माई यूजल लुक्स लाइक आई एम गन वेयर something very different. I'm gonna put a different makeup, so I thought let's shoot a get ready with me. I've never really shot something like this, so I thought this is the best time to do this. Anyway, तो अभी मैं जाके अपना आई एम गोना टेक अ बाथ एंड ऑल दैट, और उसके बाद मैं अपना शूट शुरू करूँगी गेट रेडी विद मी का. जब मैं पूरी रेडी हो जाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों को मिलूंगी व्लॉग पे अपने इस वाले पे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और जो शूट कर रही हूँ ना मैं गेट रेडी विद मी, आपको दिखा देती हूँ कैसे शूट कर रही हूँ. वाई? बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग अ ट्राईपॉड लाइक द बिग वन. तो मैंने थोड़ा जुगाड़ किया है और कमल ने मेरी हेल्प की है जुगाड़ करने में, आइडिया देने में. तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे शूट करने वाली हूँ इस वीडियो को. दिस इज द बेड जहाँ पे मैं बैठ के शूट करूंगी. मैं यहाँ शूट करूंगी क्योंकि विंडो यहाँ है, तो ये लाइट में लूंगी. एंड ये स्टूल कमरे में पड़ा था एक, ये लिया है और उसके ऊपर दो सूटकेसेस रखे हैं और उसके ऊपर रखा है मैंने अपना कैमरा यहाँ बैठ के, और यहाँ पे मैं अपने आप को शूट करूंगी. सो दिस इज द होल जुगाड़ वी हैव डन. आई जस्ट गॉट रेडी फॉर द वेडिंग एंड आई ऑल्सो शॉट, जैसे मैंने पहले बता दिया, आई शॉट अ कम्प्लीट गेट रेडी विद मी ऑफ दिस लुक. आई हैव नेवर डन दैट ऑन माई चैनल, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एडिट इट एंड पोस्ट इट. आई रियली होप दैट यू वुड लाइक दिस लुक एंड ऑल्सो वुड लाइक टू सी द वीडियो, वॉच द वीडियो. आई विल बी शोइंग यू गाइज द इंटायर लुक, वॉट आई एम वेयरिंग एग्जैक्टली, कहाँ से आया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी. आई एम लविंग द लहंगा दैट आई एम वेयरिंग एंड मेरा मन कर रहा है अभी ऐसे कैमरा मोड़ दूं और दिखा दूं, पर अभी नहीं दिखाती, थोड़ी देर में दिखाती हूँ. एनीवे, सो वी आर गोना चेक आउट नाउ फ्रॉम द एयरबीएनबी और हम जा रहे हैं अभिषेक के घर पे. सामान वामान छोड़ेंगे और थोड़ी सी देर में फंक्शन शुरू हो जाएगा और हम उसके लिए निकलेंगे. आई माइट नॉट चेंज माई ड्रेस बाय द वे. संगीत और रिसेप्शन पे आई थिंक मैं दोनों जगह पे यही पहनूंगी. तो लेट्स सी व्हाट आई डू. अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ. Hello. Look who I have. Hi. That's a subscriber of mine. I don't know if you can hear me. यहाँ पे बहुत music चल रहा है. But that is Smita. She came from Electronic City. Electronic City से आई है Smita मेरे से मिलने के लिए. कितना time लगा तुम्हें आने में? 2 घंटे. 2 घंटे. Why? Why would you come and meet me? 2 घंटे travel करके. बहुत मानते आपको. So हम लोग अभी बैठे chill कर रहे हैं जरा दोनों. But मैंने अभी दूल्हे को भी नहीं मिली हूँ, मैं सिर्फ इसके साथ बैठ गई हूँ. So I'm gonna chat with her for a while and I'll get back to you guys. We are late by an hour, but it's gonna get started in another 5 minutes. देख के चुप कर अंदर से देख के चुप. आजकल मेरी ये करने की बड़ी आदत हो गई दिया था जिसको मैंने मानस. बहुत लेट आयो बाय द वे, बट आ गए ठीक है. दैट इज द दूल्हा. दुल्हन नाउ इज ऑन द स्टेज फॉर हर परफॉर्मेंस विद टू ऑफ हर फ्रेंड्स. Ravi, we have a special performance.
from Bhaskar from Ravi. Nice piece. To Abhishek and Megha's house. That is Megha enjoying her drink. That is Kamaljeet Rana. We are very tired. By the way, battery dead ho gayi thi mere camera ki. Main abhi pahunchi hu yahan pe aur maine new battery uthai hai aur wo laga ke aapse main baat kar rahi hu. Bahut sare clips aise the jo maine na phone se liye hain so that main kal aapko aaram se matlab jab bhi baat karu aap logo ko bata sakun ki hum logo ne wahan pe kya kya kiya kyunki Telugu wedding thi to kafi cheeze khaas hui jaise jis tarike ka khana tha ye sab wo sab cheeze main aap logo ko subah bataungi. Abhi I'm just gonna sit with Megha and we're gonna chill. Hum log change karenge, thodi der baithenge aur main chali jaungi sone के लिए बिकॉज टुमारो वी आर लीविंग टू अनदर सिटी जो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको जब व्लॉग आएगा तब पता चलेगा सो वी गोइंग देयर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा बर्थडे है 12th को और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं कहीं पे घूमने मैं और कमल तो बाकी अब मैं आपसे बात करती हूँ कल सुबह गुड मॉर्निंग गाइज वी जस्ट वोक अप नहीं वी जस्ट वोक अप नहीं एक घंटा हो गया मुझे उठा हुआ कमल जस्ट वोक अप कमल लगा हुआ है मेरे काम पे ही इज ट्रांसफरिंग सम डेटा जो कैमरा से सीधा ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वी आर यूजिंग मेघा का लैपटॉप और उससे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं और साथ साथ कमल खा रहे हैं आलू के पराठे एंड या आई हैव टू टेल यू अ लॉट एक्चुअली अबाउट यस्टरडे सो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था हमारे लिए पहला डिफरेंट एक्सपीरियंस ये था कि मतलब जैसे हम नॉर्थ में लंगर खाने के लिए ऐसे लाइन से बैठते हैं ना लंगर में बस ये होता है कि ज़मीन पे बैठते हैं और सामने पत्तल मिलते हैं उस पर हम लोग खाते हैं ना पंजाबी लोग और यहाँ पे साउथ की जो ये मतलब तेलुगु जो वेडिंग थी उसमें ये वाला जो एरिया है इस एरिया में लोग इस तरीके से यू नो चेयर और ये सामने टेबल पड़े हैं इन पर बैठे हुए थे और इसमें भी ऐसे एक लाइन थी मतलब इतने सारे लोग वेट कर रहे थे कि जैसे ये वाला लॉट उठेगा तो दूसरा लॉट आएगा और सामने ऐसे ये जो पत्ते हैं उन पे हम लोगों को खाना दिया जा रहा था सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग टू वॉच एंड खाना भी पूरा प्रॉपर तेलुगु था जो उनका होता है मुझे एक भी चीज़ का नाम नहीं पता था जो जो भी चीज़ें सर्व हुई थी तो ये सब चीज़ें मुझे आपको बतानी थी इट वॉज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस मेरे कैमरे की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ये जो छोटी मोटी क्लिप्स आप देख रहे हो मैंने अपने फ़ोन से शूट कर ली थी छोटी छोटी क्लिपिंग्स एंड हाँ उसके बाद रात को हम लोग आए मेघा के यहाँ हमने आपको बताया था बैठे खूब हमने गप्पे शप्पे मारी रात को हम कुछ आई थिंक 12:30-1 बजे तक बैठे फिर सोए अभी बस थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ एंड वी आर अगेन पैकिंग करके हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ एक्चुअली हम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो वो भी आप लोगों को पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं एंड या दिस इज़ इट आई गेस अब हम लोग पैकिंग करके निकलेंगे बस एंड आई विल बी क्लोजिंग दिस व्लॉग राइट हियर आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द होल तेलुगु वेडिंग द होल एक्सपीरियंस इन बैंगलोर एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स वॉट यू फील एंड या आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर